प्रेशर कुकर तो आप सभी ने देखा ही होगा और आपको पता होगा कि प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है एज कम्पेयर टू जब आप किसी खुले पतीले में खाना पकाते हो। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके पीछे की साइंस को स्टडी करते हैं। पहले हम ह्यूमंस खाना पकाने के लिए सिर्फ आग का यूज करते थे। ऐसा करने से हीट सारे खाने में अच्छे से नहीं पहुंच पाती थी और खाना पकने में ज़्यादा टाइम लगता था। फिर हम ह्यूमंस ने खाना पकाने के लिए आग के साथ साथ पानी का भी यूज करना शुरू कर दिया। वाटर हीट का गुड कंडक्टर होता है, मीन्स वाटर हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले वाटर आग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये वाटर हीट को खाने तक ट्रांसफर कर देगा और आपका खाना पक जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट सी लेवल। एट सी लेवल का मतलब है कि समुद्र तल तक की ऊंचाई वाले स्थानों पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आसपास के प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो खाना पकने में कम टाइम लगता है और टेम्परेचर कम होगा तो खाना पकने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप किसी खुले पतीले में खाना पकाते हो और आप उसे हीट देना स्टार्ट करते हो तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर का टेम्परेचर सिर्फ उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक ही इंक्रीज होगा, मीन्स खुले पतीले में खाना 100 डिग्री सेल्सियस पे पकता है। अगर हम प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर में खुले पतीले के कंपेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब आप प्रेशर कुकर को हीट दोगे तो उसमें स्टीम प्रोड्यूस होगी और इस स्टीम के कारण प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने स्टडी किया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे डिपेंड करता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर इंक्रीज होने के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, मीन्स वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और हमें पता है कि अगर वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो खाना पकने में कम टाइम लगेगा, इसी कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। खुले पतीले में वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था और प्रेशर कुकर में वाटर का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है एज कम्पेयर टू जब आप किसी खुले पतीले में खाना पकाते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो लाते रहें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।